वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। कई एग्जामों में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग किया गया है, पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस। तो आज हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस विंडो में स्टार्ट मेनू नहीं होता है? किस विंडो में स्टार्ट मेनू नहीं होता है? ऑप्शन है विंडो 7, विंडो XP, विंडो 8, विंडो 10। अब हमें सोचना है इनमें से किस विंडो में स्टार्ट मेनू नहीं होता है। तो विंडो 7 में नहीं होता, XP में, या 8 में, या 10 में, ऐसे कौन सी विंडो है जिसमें आपको स्टार्ट मेनू नहीं मिलता, स्टार्ट का बटन नहीं होता जहां से हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं? तो इसका आंसर है विंडो 8। तो विंडो 8 में स्टार्ट मेनू नहीं होता है। विंडो 8 को बनाया गया था मोबाइल्स के लिए, और मोबाइल्स में स्टार्ट बटन नहीं होता है, इसलिए विंडो 8 जो कंप्यूटर में भी यूज़ आने लगी उसमें भी स्टार्ट बटन नहीं था। लेकिन जब विंडो 10 आई तो लोगों की डिमांड के कारण विंडो 10 में दोबारा से स्टार्ट मेनू लाया गया। ये देखिए, इस तरह से विंडो 8 इस तरह से होती है, इसमें कोई भी स्टार्ट बटन नहीं होता है। स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, और किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना हो तो इस तरह के आइकन्स बने रहते हैं विंडो 8 में, और हमें क्लिक करके उनको स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगला देखते हैं, अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का OS है? यानी विंडो 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो निम्न में से किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है CUI, ऑप्शन बी है GUI, ऑप्शन सी है CLI, और ऑप्शन डी है ग्राफिकल। अब हमें सोचना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें से अधिक जो सही ऑप्शन, जो उपयुक्त विकल्प होगा वो होगा GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें सब कुछ ग्राफिकल ही होता है, इसमें आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मशीनी भाषा का वह हिस्सा जो प्रोसेसर को उसका कार्य बतलाता है। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम मशीनी भाषा में हमने कोई बनाया है और हम उसको प्रोसेसर पे रन करा रहे हैं, तो मशीनी भाषा का कौन सा हिस्सा है जो प्रोसेसर को बताता है उसका कार्य? तो विकल्प है, ऑप्शन है ऑपरेशनल कोड, एड्रेस, लोकेटर और फ्लिप फ्लॉप। तो हमें सोचना होगा कि इनमें से सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ऑपरेशनल कोड। ऑपरेशन कोड प्रोग्राम का वह हिस्सा होता है जो प्रोसेसर को बताता है कि उसका क्या कार्य है। अगला प्रश्न है, DOS किस फाइल सिस्टम पर कार्य करता है? विकल्प है CUI पर, FAT, NTFS या GUI, किस पर कार्य करता है? तो सोचते हैं इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है FAT, FAT फाइल एलोकेशन टेबल, पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल है, और ये MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाने वाला फाइल सिस्टम है। MS-DOS एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो FAT टेबल का प्रयोग करता था। FAT टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें कंप्यूटर में मौजूद फाइलों की जानकारी होती है, जैसे फाइल का नाम, फाइल की लोकेशन, फाइल का साइज, ये सारी जानकारी इसी टेबल में होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, DOS इस तरह से दिखाई देता है। विंडो में डेट और टाइम किस जगह दिखाई देती है? अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं और उसमें हमें देखना होगा डेट या टाइम कितना है, तो वो हम कहाँ पे दे सकते हैं? तो उसके विकल्प हैं डेस्कटॉप, सिस्टम ट्रे, टाइटल बार, कंट्रोल पैनल। तो इनमें से किस जगह पर हम देख सकते हैं डेट या टाइम?
तो हमें सोचना होगा कि सही आंसर कौन सा है इनमें से। तो इसका सही आंसर है सिस्टम ट्रे। आपने देखा होगा विंडो में नीचे की तरफ एक लाइन आती है जिस पे स्टार्ट का बटन होता है और जिसे हम टास्क बार भी कहते हैं। उस टास्क बार पर राइट साइड में हमें डेट और टाइम दिखाई देता है। तो ये जो डेट और टाइम है जिस जगह पर होता है, जिस एरिया में होता है, उसे हम सिस्टम ट्रे एरिया कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सिस्टम ट्रे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक बूटेबल फाइल है? विंडोज, विनसिस, config.sys, io.com। तो इनमें से ऐसी कौन सी फाइल है जो बूटेबल है? बूटेबल फाइल वो होती है जो कंप्यूटर के बूट होने के लिए आवश्यक होती है। तो हमें सोचना होगा कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही विकल्प है सी, config.sys। ये एक बूटेबल फाइल होती हैं। अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी बूटेबल फाइल होती हैं, तो एमएस डॉस में निम्न बूटिंग फाइल होती हैं और ये सभी फाइलें कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे ms.sys, config.sys, io.sys और autoexe.bat। तो ये सभी फाइल ऐसी हैं जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक होती हैं और इन्हें हम बूटिंग फाइल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किस फाइल सिस्टम पर कार्य करता है? तो अलग अलग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस फाइल पर काम करता है। तो ऑप्शन है फैट है, फैट 32 है, NTFS है और कर्नल। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा वो हमें देखना होगा। फैट, फैट 32, NTFS, कर्नल। तो इसका सही आंसर है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये एक ऐसा तरीका है जिसे वर्तमान में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में लेते हैं। तो विंडो 7, 8, विंडो 10, इन सभी के अंदर NTFS फाइल सिस्टम होता है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ रहा है NTFS। तो कभी आपने फॉर्मेट किया हो तो कंप्यूटर पूछता भी है, आपने देखा होगा यहाँ पर कि कौन से फाइल सिस्टम में आपको फॉर्मेट करना है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को फॉर्मेट करते समय भी हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा फाइल सिस्टम लगाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विकल्प दे रखे हैं फेडोरा, उबंटू, बोस, विंडो। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा गया नहीं है। तो इसका आंसर है बोस। तो ध्यान रखना फेडोरा और उबंटू ये दोनों ही लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ ये विंडोज़ पर जीयूआई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि बीओएस अब यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर ये BOSS होता तो ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें एक एस मिसिंग है, इसलिए इसमें इन दिए गए विकल्प में जो सी ऑप्शन होगा वो ज़्यादा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें पहचानना है। विकल्प हैं आपके फेडोरा, उबंटू, बोस, ओपन शूट। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फेडोरा जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उबंटू भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, भारत मतलब बोस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका डी, ओपन शूट। ओपन शूट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वीडियो एडिटिंग के काम आता है, और बाकी सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोसेस क्या है, कि किसे प्रोसेस कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं हार्ड डिस्क में रखा उच्च स्तरीय भाषा का प्रोग्राम, सेकेंड ऑप्शन है मुख्य मेमोरी का प्रोग्राम,
थर्ड है एक प्रोग्राम का रन होना, और फोर्थ है द्वितीय मेमोरी का प्रोग्राम। अब हमें सोचना होगा इनमें से कौन सा एक, या किसे हम प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस क्या है। तो इसका आंसर है एक प्रोग्राम का रन होना। जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस का मतलब ही होता है किसी चीज़ का प्रोसेस होना, रन होना। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये चीज़ सीखने को मिले। धन्यवाद।